वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की शायद ये कर रहा है तैयारी, तो अच्छा खासा मीनिंगफुल नॉक मानस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। रजत दा गुड मॉर्निंग। रजत दा कौन से स्टॉक रखा है रडार पे, कौन सा चुना है? देखिए मैं आज एक पुलबैक रैली, शॉर्ट कवरिंग पुलबैक रैली होएगा ऐसा उम्मीद करके HDFC बैंक को रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए। HDFC बैंक 1450 के आसपास एक पुलबैक रैली दे सकता है, लेकिन इतना सभी को याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक पुलबैक रैली होगा और इसके बाद में जो गिरावट इसमें दोबारा आएगा उसमें ये इसका जो पुरानी लो कल के दिन में पोस्ट किया था उसको भी तोड़ देगा। बट दिस इज जस्ट इंट्राडे ट्रेड, इसमें 1329 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 1400 और 1430 ये दोनों टारगेट मान के इसमें पुल बैक रैली के उम्मीद करके लॉन्ग साइड में एक ट्रेड लेना चाहिए। ओके, अ पुल बैक रैली इन HDFC बैंक। देखिए आज का हमारा सरोकार आज से ही है, तो पहले अगर आप देखें आज वो फोकस करें तो रजत दा कह रहे हैं कि अब पुल बैक टूवर्ड्स 1430, एग्जैक्टली 1430 पे क्या है आपका 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है HDFC बैंक का। ओके, HDFC बैंक पे बाय ट्रेड आफ्टर अ सेल ट्रेड ऑन ओबेरॉय रियल्टी। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग, और मैंने बहुत कोशिश की अगेन लॉन्ग साइड कॉल ढूंढने की, बट इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट टू कीप कन्विक्शन। ये मार्केट का ऊपर जाने का चांस तब ज्यादा बनता है अगर हम गैप डाउन खुलते हैं। गैप अप के बाद आई डोंट नो हाउ मच ऑफ स्टीम विल बी लेफ्ट क्योंकि रेजिस्टेंस इज क्लोज में है। सो मैं डाउन साइड पे अपना रुझान कंटिन्यू रखूंगी। माई कॉल विल बी माइंडट्री के फ्यूचर्स का शॉर्ट। माइंडट्री के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हम ऐसे लगाएंगे 3805 पे। डाउन साइड पे पहला टारगेट होगा 3670, उसके बाद 3620 और उसके बाद 3550। ओके, माइंडट्री, माइंडट्री पर आप देखें आपका सेल है। अब एक बार जरा प्लीज आप याद रखिएगा, माइंडट्री एक ऐसे उस स्पेस को बिलोंग करता है जहां पे सबसे ज्यादा पेन है। कल का माइंडट्री का इंट्राडे हाई मुझे याद है एग्जैक्टली इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था और परसों की कैंडल का यानी शुक्रवार की कैंडल का मेजर पोर्शन सरेंडर कर दिया था इसने। तो जो शुक्रवार को एक प्रॉमिसिंग क्लोजिंग थी उसको सरेंडर कर दिया कल का इंट्राडे हाई 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक और चीज याद रखिएगा, आप ये जो कॉल देख रहे हैं ना वो एक कमजोर स्पेस से है क्योंकि निफ्टी आईटी पोस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, पोस्ट 9 अगस्त 2021 सबसे लोवेस्ट लेवल पे क्लोज हुआ। तो निफ्टी आईटी में वाकई अगर आप देखें कन्वेक्शन नहीं है, इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल पर आप देखें चलता हुआ। अब चलते हैं अन्य मेहमानों के पास। आशीष गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्वेक्शन ट्रेड बताइए क्या होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा टॉप ट्रेड कन्वेक्शन रहेगा आज का वो है ICICI बैंक पे बाय रिकमेंडेशन। जिस हिसाब से कल भी हमने देखा ICICI बैंक अपने 20-day EMA को बहुत अच्छे से डिफेंड करके क्लोज दे पाया, तो मैं लगता है कि यहाँ से एक फर्दर अप मूव देखने मिल सकता है। एक पुल बैक रैली भी हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रजत सर ने भी बताया बैंकिंग काउंटर्स में एक पुल बैक रैली आ सकता है। तो ICICI बैंक एक बहुत बेटर पॉइज्ड एंड बहुत बेटर प्लेस्ड है पूरे बैंकिंग पैक में, तो 740 का एक ऐसे लगा के 770 के टारगेट के लिए ICICI बैंक में खरीदारी की सलाह है। ठीक है।